आज के इस वीडियो में बताएंगे कि DLED बिहार DLED के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं सेशन 20-22 के लिए। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि सेशन 20-22 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कॉलेज के द्वारा अब स्टार्ट हो गया और इस बार 2020 में जो होगा ये मार्क विशेष पर एडमिशन होने वाला है, क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम का दिया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया है। कोरोना के कारण यहाँ पे गवर्नमेंट के पास समय नहीं है जो एग्ज़ाम लेकर एडमिशन कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट ने स्टूडेंट को भी राहत दी है और मार्क विशेष पर इस बार एडमिशन का निर्णय लिया है। ओनली इस बार आपको मार्क विशेष पर एडमिशन होने वाला है सेशन 20-22 में। तो आज 21 तारीख है, 21 दिसंबर से 4 जनवरी तक इनका आप अप्लाई कर सकते हैं सरकारी कॉलेज में DLED एडमिशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे हम DLED एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हर जिला में अलग अलग कॉलेज होते हैं, हर जिला वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। हम आज के इस वीडियो में बताएंगे मधेपुरा जिला में 2 ट्रेनिंग कॉलेज आते हैं जो कि गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज है, एक PTEC सुखासन है, एक डाइट मधेपुरा है। तो हम आज के इस वीडियो में बताएंगे PTEC सुखासन में किस तरह 20-22 सेशन में DLED के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरी चीज़ हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको आना होगा PTEC सुखासन.com की वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देख सकते गेट ट्रांजेक्शन और अप्लाई फॉर DLED 2022 है। तो अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने से पहले सबसे आपको पहले एक ट्रांजेक्शन आईडी लेना होगा, जिसके लिए यहाँ पे गेट ट्रांजेक्शन आईडी पे क्लिक करेंगे। न्यू टैब में आपको ये ओपन हो जाएगी, सबसे पहले यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे एक चालान कटवाना होगा, जैसे जो कि 100 रुपये का 100 का एक चालान कटवाना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, अपना स्टेट एजुकेशन सेंटर जिस स्टेट में वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक करने तो यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम देना, कॉलेज का नाम देना P.T. यानी कि P.ET मतलब PTEC देना तो P.T.E.C सुखासन, यानी कि PTEC सुखासन। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी है, पेमेंट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, फी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाना हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ अपना फुल नेम, अपने फादर का फुल नेम, मदर्स का फुल नेम, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देना होगा, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस देंगे और यहाँ पे जहाँ अभी रह रहे उसका एड्रेस देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ कैटेगरी भी क्लिक करेंगे, किस कैटेगरी से आप, जनरल, BC, EBC, SC, ST, डिसेबिलिटी, तो कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर DLED किस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर DLED किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी यानी विकलांग वगैरह हैं तो किस टाइप के हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो नाउन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको अप्लीकेशन फ़ी आपको 100 रुपये देने होंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप SC ST से तो 6,024 रुपये, अगर आप अदर कास्ट से तो 10,040 रुपये आपको पर ईयर देना होगा, ठीक है। तो अभी जो आपको लगेगा 100 रुपये लगेगा अप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद नीचे आएंगे, इस यहाँ पे अपना फुल नेम देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस फॉर्म को पूरा फिलअप करेंगे और यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ी में 100 आपको देना होगा। उसके नीचे आ जाएंगे सबमिट, उसके बाद जो डिटेल आपने पीछे फिलअप किया सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी, सारी डिटेल को चेक कर लेंगे, अगर आपकी डिटेल सही है तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से पेमेंट करना होगा, अगर इंटरनेट SBI की इंटरनेट बैंकिंग से करेंगे तो आपको 11 रुपये अलग से चार्ज देने होंगे, अगर अदर बैंक की इंटरनेट बैंकिंग से करेंगे तो 17 रुपये आपको अलग से चार्ज देने होंगे। अगर आप यहाँ पे डेबिट कार्ड को यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 12 रुपये का देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, यानी कि 100 रुपये के चलाने में अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो 11 रुपये आपको अलग से चार्ज कटेगा, अगर आप ATM कार्ड से पेमेंट कटाते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं कटेगा। चलिए ATM कार्ड से कटाएंगे, उसके लिए यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह यहाँ पे ATM कार्ड की नंबर देंगे और उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट देंगे और मंथ देंगे, ईयर देंगे, आपके ATM कार्ड पे कौन सा नाम है वो देंगे, अपने ATM कार्ड की CVV नंबर देंगे, इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे, उसके बाद पे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पर OTP भेज दिया जाएगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे। OTP देने के बाद यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेस हो गया, इसको आप प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करके इस रिसिप्ट को आप डाउनलोड कर लेंगे, चलान की इस रिसिप्ट को।
यहाँ पे जी ये रेफरेंस नंबर हो गया, ये आपका ट्रांजेक्शन नंबर हो गया, इसको कॉपी कर लेंगे। अब अप्लाई करेंगे, ट्रांजेक्शन आईडी मिल गया है। चलिए अब अप्लाई करेंगे, उसके लिए फिर से पीटीसी वेबसाइट पे आएंगे, उसके बाद देख सकते हैं अप्लाइड फॉर डीएलएड 2022, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम के साथ जो भी ईमेल आईडी पहले से लॉगिन होगा उस ईमेल आईडी यहाँ पे शो कर जाएगा। अगर इस ईमेल आईडी से अप्लाई नहीं करना चाहते, स्विच अकाउंट पे क्लिक करके जो ईमेल से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी देंगे, जो भी कस्टमर आपके पास डीएलएड का अप्लाई कर रहा है उसका ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी देंगे। ट्रांजेक्शन आईडी जो अभी मैंने ट्रांजेक्शन आईडी कॉपी किया था वो ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे देंगे, जो मैंने अभी एसबीआई से बनाया है 100 रुपये के चलान कटवा के। उसके बाद यहाँ पूछ रहे किस विषय से अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आप विशेष सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, साइंस कला, ठीक है, विज्ञान है, कला है, उर्दू है, ठीक है, जिससे भी आप करना चाहिए कर सकते हैं। अगर आपका साइंस में उर्दू है तो उर्दू से भी कर सकते हैं, अगर आप आर्ट है तो कला को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप साइंस से करना चाहते हैं साइंस को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपके साइंस में उर्दू सब्जेक्ट है तो आप उर्दू से भी कर सकते हैं। चलिए मैं कला को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर अभ्यर्थी के नाम हिंदी में देंगे। अभ्यर्थी के नाम हिंदी में देने के लिए नेम को हिंदी में लिखने के लिए आपको गूगल इनपुट टूल का यूज करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस पे आएंगे, यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, हिंदी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे भी जिसका भी नाम लिखेंगे उसको अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, ठीक। इस तरह आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना होगा। इसी तरह हिंदी में नाम देंगे, उसके बाद अंग्रेजी में फुल नाम देंगे कैंडिडेट का, उसके फादर्स का नाम हिंदी में, उसके बाद फादर्स का नाम अंग्रेजी में, मदर्स का नाम हिंदी में, मदर्स का नाम अंग्रेजी में देंगी। उसके बाद उसका स्थाई पता देंगे, पूरा जो उसका स्थाई पता होगा वो देंगे, यहाँ पे अंग्रेजी में देना होगा पता, और वर्तमान पता जो है वो आपको देना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना होगा, उसके लिए कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ उनकी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, पुरुष या महिला। उसके बाद यहाँ पे जाति सेलेक्ट करेंगे, सामान्य जाति, पिछला वर्ग जिस भी जाति से आते वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यालय के नाम, मैट्रिक जिस स्कूल से किए उस स्कूल का नाम देंगे, और वो स्कूल कौन सी बोर्ड से था, जैसे बिहार बोर्ड से बिहार बोर्ड देंगे। आपने मैट्रिक कब पास किया ये आपको देना होगा, ये आपको इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट पर रहेगा, वो डेट दे देना होगा। उसके बाद कितना मार्क का आपके एग्ज़ाम हुआ था, जिसे कि जानते हैं मैट्रिक 500 का हो रहा है तो 500 देंगे, और उसमें से आपको कितना मार्क आया वो आपको यहाँ पर दे देना होगा। मार्क देने के बाद यहाँ कितना प्रतिशत निकल हुआ आपका तो वो आप देंगे। देखिए आप प्रतिशत निकालने के लिए कैसे आप प्रतिशत निकालेंगे, उसके लिए कैलकुलेटर का यूज करेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए जैसे कि जितना मार्क आया, जिसके मार्क इनका है 393, ठीक है, मार्क इनका है 393, और कितना का परीक्षा था वो 500 का था, यानी कि 00 को हटा देंगे, 5 से भगा दे देंगे इसको, ठीक है, 5 से भगा दे देंगे, इसको टू करेंगे तो ये जो इनका प्रतिशत हो गया, ठीक है, तो इनका परसेंट 78% हो गया, ठीक है, 78% यहाँ पे देंगे। इस तरह परसेंट में निकाल सकते, जितना मार्क है उससे 5 से भागा दे दें, जितना का एग्जाम हुआ 00 हटा के जितना भी अंक बचता है उससे भागा दे देंगे, उसका प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 जो है 12 जो क्या है, कौन सी कॉलेज से, कॉलेज का नाम देंगे, बोर्ड का नाम देंगे, और 12 जो पास किया कब पास किया उस सर्टिफिकेट पर आपको डेट होगा वो डेट देंगे, 12 कितने मार्क का था वो देंगे, और कितना मार्क उनको आया वो देंगे, और कितना प्रतिशत आया वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद अगर वो स्नातक कर रहा है या कर चुका है तो वो डिटेल देंगे, स्नातक अगर कंप्लीट है तो ये डिटेल देंगे, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उससे आगे की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको भी दे सकते, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, जिसमें फ़ोटो अपलोड करना होगा, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, अगर मैट्रिक इंटर का मूल प्रमाण पत्र है वो ये आपको अपलोड करना होगा। अगर आप स्नातक के डिटेल दिए हों तो वो आपको अपलोड करना होगा। उसके साथ साथ आपको जाति प्रमाण पत्र अगर अवेलेबल है तो अपलोड कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कैटेगरी से आते हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, अगर दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी एड फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके लिए सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर ड्राइव पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे, फोटो को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये फोटो यहाँ पे अपलोड हो रहा है, इसी तरह अपलोड होगा, उससे पहले ऐड कर लेंगे तब अपलोड करेंगे, यहाँ फोटो अपलोड कर चुके, ऐड कर चुके, उसके बाद ऐड मोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम उसके बाद मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट को सेलेक्ट करेंगे और इसको भी इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ऐड मोड पे क्लिक करेंगे, आप एक साथ कंट्रोल के साथ प्रेस करके एक साथ अनेक डॉक्यूमेंट को भी इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
मैट्रिक के सेलेक्ट कर चुके, अपलोड कर चुके, उसके बाद इंटर का एडमिट कार्ड मार्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, उसको भी अपलोड कर देंगे। देखिए फोटो और मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद आपके पास अगर मूल फॉर्म पत्र वो अपलोड करेंगे, अगर जाति प्रमाण पत्र वो अपलोड करेंगे, अगर आप आवासीय आपके पास है तो आवासीय आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके तीनों को हम अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। जितना भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल वो सारे को अपलोड करेंगे। आप देखिए अपलोड कर चुके तीन डॉक्यूमेंट, अगर हमको और अपलोड करना है तो ऐड पर क्लिक करके और अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि ये फोटो मैंने अपलोड कर चुका, मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड कर चुके, इंटर का मार्कशीट अपलोड कर दे, मूल प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो अपलोड करेंगे, अगर स्नातक की डिटेल दिए तो अपलोड करेंगे, अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से आ रहे तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, आवासीय प्रमाण पत्र है तो आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड कर दे। आवासीय माना कि आवासीय आपको दे देना अच्छा रहता है, क्योंकि ये एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास EWS वगैरह हैं तो उसको अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं। उसके बाद यहाँ हस्ताक्षर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर, उसके लिए ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम हस्ताक्षर को सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे, ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आ चुका। उसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, इस सिग्नेचर को हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र को एक्सेप्ट करेंगे और सूचना पत्र को यहाँ पे भी एक्सेप्ट करेंगे। इसको आप पढ़ लेंगे कि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी सभी सही है, अगर गलत पाया जाता है तो मेरा नामांकन रद्द करके और मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद ये सही, अगर इसकी एक कॉपी आपको मेल पे चाहिए तो यहाँ पे सेंड मी ए कॉपी फॉर माय रिस्पांस, इसको क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी आपको मेल पे भी मिल जाएगी। चलिए इसको हम नो करते हैं अभी। उसके बाद पूरी डिटेल देने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक कुछ कैप्चर आ चुका, ट्रैफिक लाइट को हमको इसमें सेलेक्ट करना है। ये सिक्योरिटी रीजन है, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट इस फोटो में यहाँ पर है और एक यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करेंगे। आपको अलग क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करें। ये चेक करने के लिए दिया जाता है कि जो अप्लाई कर रहा है वो आदमी कर रहा है या कोई रोबोट कर रहा है। उसके बाद देख सकते हैं योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड हो चुका, हमने एक सक्सेसफुल PTEC सुखासन में DLED 20 और 22 के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है।